आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी काफी एक्टिव हो चुकी है। बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है और फिलहाल राज्यसभा सांसद आदित्य साहू संबोधित कर रहे हैं। तो चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं और दिखाते हैं वहां की तस्वीर क्या कुछ बनी हुई है। निष्पक्षता से आप सोचने का काम करेंगे, चाहे वो शिबू सोरेन की सरकार हो, चाहे मधुकुड़ा जी की सरकार हो, चाहे हेमंत जी की सरकार हो। जब जब भी इस राज्य में लोगों ने शासन करने का काम किया है, इनसे विकास का काम कोसों दूर चला जाता है और झारखंड को लूटने का काम करते हैं। झारखंड को दोनों हाथ से लोग लूटने का काम करते हैं। और मैं तो दावे के साथ बार बार बोलता हूं, आप राजधानी के बगल के किसी गांव में चले जाएं, आप उस गांव के लोगों से पूछें कि इन चार वर्षों में झारखंड में चलने वाली राज की सरकार ने चार काम किया हो तो बतला दीजिए। गांव की जनता एक भी काम बतलाने की स्थिति में आज नहीं है। आप पूरे झारखंड में नहीं बोल रहा हूं, आप सिर्फ राजधानी के चारों तरफ जो प्रखंड मुख्यालय हैं वहां चले जाइए, तो अंचल कार्यालय में आपको सूचना मिलेगी, लोग जानकारी देंगे कि ऑनलाइन जो रसीद का खाता प्लॉट नंबर चढ़ता है, जो दाखिल खारिज होते हैं, जो आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जो बनता है, आय प्रमाण पत्र बनता है, बिना पैसे का लोग काम पदाधिकारी कर्मचारी नहीं करते हैं। पदाधिकारी खुलेआम बोलता है कि मैं बोरा भर के पैसा दे करके यहाँ पर पोस्टिंग कराया हूँ, मैं बोरा में आपसे पैसा लेकर के भरने का काम करूंगा, जनता को लूटने का काम करूंगा। इस बार भी आप लोग फेल हो गए, मंत्री कह रहे हैं कि जो विपक्ष की साजिश को नाकाम। देखिए, फेल और पास की यहाँ पर कोई बात ही नहीं है। क्या फेल हुए, वो तो अपने कारनामों के चलते खुद घिरे हुए हैं। आखिर ईडी बार बार उनको समन देने का क्यों काम करती है? अब समन देती है, ईडी सात बार समन दे चुकी है, तो ईडी के पास जा करके अपनी बातों को रखने में क्या कठिनाई है, क्या परेशानी है? आम आदमी महसूस करता है कि यदि हम कोई गलत काम नहीं किए हैं तो अपनी बातों को हम कहीं भी जा करके रख सकते हैं, और जो गलत व्यक्ति होता है, जो गलत काम करता है, पग पर वो डरता है, वो कभी संभल के चलता है। ईडी ने तो यहां तक भी कहा कि आप जहां बुलाएं, घर में बुलाएं, चाहे कोई ऐसा स्थान दे, वहां पर जाकर के हम आपकी बातों को सुनने का काम करेंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी इतना डरे और सहमे हुए ईडी से कि ईडी के पास जाने से हमेशा किसी न किसी बहाना बना करके भागते फिरते रहना है, अपनी बातों को रखने का काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कोई षड्यंत्र नहीं करती है। मैं फिर कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी समाज में रहने वाले अंतिम व्यक्ति की चिंता करती है और वो उसकी सेवा का काम करने का काम करती है। जो आपने देखा कि आदित्य धीरज प्रसाद साहू द्वारा तमाम चीजें बातें को रखा गया है और आप तस्वीर देख पा रहे थे और एक बात है, तस्वीर आप यहां से देख पा रहे थे। मौसम गर्मी नहीं है, तस्वीर देख पा रहे थे कि तो ये बैठक चल रही, देखिए हमारे पीछे इसी बैंकवेट हॉल में बैठक चल रही, साथ संगठनात्मक बैठक है। हमारे साथ अशोक बारीक है इन तमाम चीजों को बात करने के लिए। अशोक जी, आज जो बैठक बुलाई है, साठ संगठनात्मक बैठक, इस बैठक में आखिर क्यों बुलाया गया, ये बैठक का मंशा क्या 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 बात? देखिए, ये रूटीन बैठक है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो सात मोर्चा है, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, एसटी मोर्चा, एससी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, किसान मोर्चा, ये सातों मोर्चा की यह एक संयुक्त बैठक है। और इस बैठक में संगठनात्मक विषयों पर चर्चा हो रही है कि कैसे हम केंद्र की योजनाओं को, कैसे जो केंद्र के भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम है उसको हम जन जन तक लेकर जाए। अभी जैसे विकसित संकल्प विकसित भारत अभियान चल रहा है, उसमें हम कैसे गांव गांव जाकर लोगों को संदेश देने का काम करें कि विकसित भारत का नरेंद्र मोदी जी का जो कॉन्सेप्ट है, जो सोच है, उसको गांव गांव लोगों को बताना है। कुल मिला के संगठन का, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में अलग अलग जो मोर्चे हैं, जैसे किसान मोर्चा किसान के बीच जाएंगे, युवा मोर्चा युवाओं के बीच जाएंगे, महिला मोर्चा महिला के बीच जाएंगे, एसटी मोर्चा एसटी के बीच जाएंगे, उसी तरह से एससी मोर्चा एबीसी मोर्चा, सभी अपने अपने वर्गों के बीच में जाकर संगठन को, माना जाए 2024 का जो इलेक्शन सामने है, उसको लेकर बिल्कुल निश्चित रूप से आप इसे इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल का, किसी भी राजनीतिक दल का अंतिम जो उसका जो टारगेट होता है, कहीं ना कहीं चुनाव होता है। तो हम इस मोर्चा के बैठक के माध्यम से कहीं ना कहीं अलग अलग वर्गों के बीच जाकर अपने कार्यक्रम को, अपने नीति सिद्धांतों को बताकर, वहां से अधिक कार्यकर्ताओं को जोड़ते हुए, आम जनता के बीच में बताते हुए, मोदी जी को दोबारा 2024 से प्रधानमंत्री बनाने का एक आह्वान का लेकर, संकल्प को लेकर ये बैठक चल रही है। बैठक में कौन कौन शामिल हुए हैं, बैठक में जो निर्णय दिए जाएंगे वो
जो कार्यकर्ता हैं कितने स्तर तक पहुंचाएंगे कुछ बताएं। देखिए ये पूरे प्रदेश स्तर का सभी मोर्चों के प्रदेश पदाधिकारियों की ये अपेक्षित बैठक है यहाँ पर, और यहाँ पर अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी हैं, विपक्ष के नेता अमर बौरी जी हैं, अपने पार्टी के संगठन महामंत्री आदरणीय करमीर जी हैं, फिर सभी सांसद हैं, समीर उरांव जी हैं, एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद, तो कुल मिलाकर सभी वरिष्ठ बैठक में वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति के साथ साथ मोर्चा के सभी प्रदेश पदाधिकारी की उपस्थिति यहां पर हो रही बैठक में। देखिए अशोक वारिक जी थे, तमाम चीजों को हमारे बातों को रखा। देखिए हम जिस जगह मौजूद हैं प्रिया, उस बैंक्वेट हॉल को भी तस्वीर हम बोलेंगे, गणेश को दिखाए, इसी बैंक्वेट हॉल के अंदर में संगठनात्मक बैठक चल रही है। एक तरह से देखिए ये बैठक इसलिए मायने रखता है, इस बैठक में जो युवा मोर्चा यानी जो युवा वर्ग के जितने भी मोर्चे, युवा मोर्चा, एस टी मोर्चा, तमाम जो मोर्चा के जो 7 मोर्चा यहाँ पे बैठक है, उस मोर्चा को एक आदेश दिया जाएगा, उस आदेश का वो तमाम अपने अपने जगह पे जाके उसको फॉलो करेंगे और लोगों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। कि देखिए 2024 का चुनाव बहुत ही सामने में है, 2024 का चुनाव है, उस चुनाव को लेकर बीजेपी पहले से रणनीति तैयार कर रही है, और संगठनात्मक बैठक में यही निर्णय लिया जाता है। संगठनात्मक बैठक इस कहने का मतलब यही होता है कि उस बैठक में जो निर्णय लिए जाते हैं, जो प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार जो योजना है, उस योजनाओं को तमाम जगह तक अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है और लोगों को जोड़ने की कोशिश की जाती है। इससे यही होता है कि जब चुनाव होंगे तो उसके लाभ बीजेपी को मिलते हैं, क्योंकि जो संगठन बीजेपी के जो काम करती है बहुत ही मजबूत तरीके से काम करते हैं और नीचे से लेकर ऊपर स्तर तक काम करते हैं। क्योंकि कल भी प्रधानमंत्री मोदी का बैठक हुआ था, उसमें कई मोर्चे में नाम भी आया था, उसके बाद इस तरह की बैठकें आपको 2024 से पहले तभी सभी जिलों में सभी राज्यों में देखने को मिलते हैं। अभी बाबूलाल मरांडी हो, अमर बावरी हो या आदित्य साहू, तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, इसके अलावा जो कार्यकर्ता हैं, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं, और उन कार्यकर्ताओं को यही संदेश दिया जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री मोदी के जो कार्यकाल में जो योजनाएं चलाई गई हैं, उस योजनाओं को आपको लोगों तक पहुंचाना, उस लोगों को बताना, उसके लाभ को बताना, ताकि उससे एक ये फायदा होगा कि 2024 में जब ये तमाम जो फलस्वरूप के रूप में देखने को मिलेगा, जब चुनाव मुश्किल से 2 से 3 महीने लगभग बचे हैं, 2 महीने के अंदर में आचार संहिता भी लागू हो जाएंगे, अप्रैल मई तक अनुमान चुनाव भी होना है, उससे पहले बीजेपी हर तरीके से कोशिश कर रही है कि कहीं कमी नहीं रह जाए और कमी भी है उन कमियों को पूरा कर लिया जाए। इसलिए इस तरह का बैठक बुलाई गई और हमारे पीछे बैंक्वेट हॉल में बैठक की जा रही है। प्रिया, लोकसभा का चुनाव बिल्कुल नजदीक है और इस दौरान तमाम पार्टियां जो है वो संगठन मजबूती पर जोर दे रही है। आज बीजेपी के विभिन्न मोर्चा, 7 मोर्चा है, उनकी बैठक है, कई दिशा निर्देश दिए जाएंगे। कितना फायदा लग रहा है कि इस बैठक के बाद होने वाला है? देखिए इस बैठक का मतलब ही होता है, इस बैठक में देखिए जो कार्यकर्ता लोग हैं, उन कुछ लोगों से बात भी करेंगे। आप लोग बैठक में बुलाई गई है, बैठक में क्या संदेश आप लोगों को मिला है, इस बैठक को लेके क्या कुछ बताना चाहेंगे? हम लोग को तो पता नहीं भाई, अभी ये गुप्त रखा गया है, इसलिए इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। देखिए इस बैठक, इस तमाम जो कार्यकर्ता लोग यहाँ मौजूद हैं और इन लोगों को जो अनुमान मैंने पहले ही बताया कि प्रिया कि यहाँ के संगठनात्मक बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उस कार्यक्रम के जो संरचना और जो कार्यक्रम है, चाहे रसोई गैस के बारे में हो, प्रधानमंत्री आवास के बारे में हो, या तमाम जो योजनाएं चलाई जा रही है बीजेपी के द्वारा, उन योजनाओं को धरातल पर कैसे उतारा है, धरातल पर लोगों को कैसे जोड़ा जाए, लोगों जिनको नहीं पता इस योजना को, चाहे जैसे मैंने बताया तमाम जो योजनाओं को लोगों को कैसे जोड़ा जा सके, इन मुद्दों को लेकर इस बैठक को बुलाई गई है। और बैठक में एक तरीके से संगठन को मजबूत किया जाता है और लोगों को बीजेपी में जोड़ने की कोशिश की जाती है, इसीलिए इस बैठक को बुलाई गई है। साथ ही साथ अभी भी जो बाबूलाल मरांडी आया था, हमने कल के बैठक को लेकर भी उनसे पूछताछ की, ईडी की कार्रवाई को लेकर भी हमने बात किया, तो उन तमाम संदेशों को उन्होंने दिया। देखिए उन्होंने कहा सरकार पर हमला करते हुए यही एक बात कही कि इस बैठक में जो महागठबंधन की जो बैठक थी, उस बैठक में कुछ नहीं निकला, सभी को पता था, हमने जब राज्यपाल को एक लेटर लिखा तो असंवैधानिक तौर गुजर रही झारखंड की सरकार, इसीलिए आनंद फानन में बीजेपी गठबंधन के द्वारा इस बैठक को बुलाई गई और दिखाने की कोशिश की गई और बैठक में कुछ नहीं निकला। बहरहाल अब देखने वाली बात हो कि सभी अपने अपने मुद्दे को लेकर की जा रहा है। अमर बावरी ने भी कहा कि देखिए बाबूलाल मरांडी को संवैधानिक पद में रहते हुए संविधानों को ज्ञान नहीं है, संविधान को फॉलो नहीं करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मानते भी नहीं, तमाम चीजों को लेकर झारखंड की राजनीति अभी गर्मी बढ़ी हुई है और उन्हीं मुद्दों को लेकर भी हमने यहां डिस्कस किया, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, अमर बावरी हो, तमाम बीजेपी के नेताओं ने इस बातों को रखा, अपने अपने तरीके से रखा है। और इस बैठक में भी वो अपने कार्यकर्ताओं को
वही संदेश भी देंगे कि लोगों को बताएं कि झारखंड की सरकार के द्वारा क्या काम की जा रही है और केंद्र सरकार के द्वारा क्या काम किए गए, कितने लाभ हो रहे हैं, तमाम चीजों को लेकर इस बैठक में लोगों को बताए जाएंगे। और बैठक को मुद्दा यही है कि जो सभी जगह से आए हैं बैठक में, देखिए सभी मोर्चे के सभी जगह से आए हैं, झारखंड से सभी जगह से इस मोर्चे में शामिल हुए, इस मोर्चे में सभी विभाग के मौजूद है, उन संगठनात्मक जो लोग जुड़े हैं उस बैठक में, वो अपने जगह पे जाएंगे, अपने जिले में जाएंगे, अपने एरिया में जाएंगे, उस एरिया में वहां पे बताएंगे इस योजना के बारे में, बताएंगे लाभ क्या है उनको बताएंगे, और हो सके बीजेपी में सभी को जोड़ने की कोशिश करेंगे और इससे बीजेपी को फायदा होगा। धनंजय, बेशक लोकसभा चुनाव है और इसके बाद झारखंड का विधानसभा चुनाव है, ऐसा में अगर माना जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अगर फायदा होगा तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो झारखंड के विधानसभा चुनाव में भी पड़ना है। लेकिन अगर काम की बात कर ले तो सीएम हेमंत सोरेन भी अपने कामों को दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार जो है, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों को कई योजनाओं का लाभ दिया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही कई योजनाओं से लोगों को लाभ मिला है। अब सवाल यह है कि आखिर लोगों को किसका लाभ मिला है और लोग अपने स्तर पर किस पार्टी का चुनाव करते हैं। देखिए सभी राजनीतिक पार्टियां कोई कसर नहीं छोड़ती चुनाव से पहले, क्यों चुनाव अब बहुत ही सामने, चाहे झारखंड का विधानसभा के चुनाव की बात कर ले या लोकसभा के चुनाव की बात कर ले, दोनों चुनाव इसी साल होने, और लोकसभा पहले मायने होता है। अब गठबंधन की बैठक दिल्ली में भी हो रही है, एक कांग्रेस के तमाम अधिकारी द्वारा बैठक की जा रही है, और वही बैठक के फलस्वरूप यहां पे भी कल बैठक कांग्रेस की हुई है। वो अपने मुद्दा की तरफ से 9 सीटें मांगने की, जो हमारे पास जानकारी मिली 9 सीटें हम मांगेंगे। तो अपने राजनीतिक पार्टियां अपने तरीके से हर तरीके से बैठक करती है, कार्यकर्ता को जोड़ने की कोशिश करती है, अपनी योजनाओं को, अपनी सरकार के बारे में बताने की कोशिश करती है, ताकि उनको चुनावों में वो लाभ मिल सके, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या अन्य दल हो, जो भी क्षेत्रीय पार्टियां होती है अपने अपने क्षेत्र में जाते हैं और जो योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा की जा रही है, चाहे सरकार की बात करें तो सरकार बीजेपी के नाकामी गिराने की बात करती है कि बीजेपी सरकार के द्वारा ये काम नहीं किए, ये इन चीजों में विफल रहे, अब बीजेपी करती है जो सरकार में रहते हुए सरकार जो वादे किए थे, जो मैनिफेस्टो में किए थे, उन तमाम चीजों को फुलफिल नहीं कर पाई, हमारी केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं आ रही उस योजनाओं को भी लाभ झारखंड की जनता को नहीं ले पा रही, इसलिए उन लोगों का कहना है डबल इंजन की जब सरकार बनती है, जो केंद्र की जो योजनाएं आती है, उन योजनाओं को हम बीजेपी की सरकार का झारखंड में होगी तो उन योजनाओं को हम डायरेक्ट धरातल पर उतार सकते हैं। अगर हमारी सरकार नहीं होती तो हमें अनुरोध करना पड़ता सरकार से, जो जिसकी सरकार होती है उनसे अनुरोध करना पड़ता है, तब धरातल पर उतरती, नहीं तो उनकी जो योजनाओं पे विफल करना या फिर सफल करना। बहरहाल इन तमाम चीजों का मुद्दा आपको देखने को मिलेंगे और राजनीतिक सरगर्मियां जो 1 तारीख से बाद ही झारखंड में जिस तरह से गर्म हुई है आपने सबने लोगों ने देखा है, और आज जब बीजेपी की बैठक अहम बैठक बुलाई गई है, 7 मोर्चे की जब बैठक बुलाई गई, बैठक में यही तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है, और इन चर्चाओं को लेके ही अपने घर को जाएंगे और अपने एरिया में जाके अपने संगठनात्मक उस चाहे युवा मोर्चा हो, एसटी मोर्चा हो, ओबीसी मोर्चा हो, उन मोर्चाओं के जो लोग हैं उन लोगों को संदेश देंगे, वो कार्यकर्ता को संदेश देंगे, उस कार्यकर्ता के द्वारा वो अपने ग्रामीण प्रखंड ब्लॉक स्तर पे जाएंगे वहां पे संदेश देंगे। इसी यही कार्यकर्ताओं के बदौलत ही सरकार बनती है, सरकार बिगड़ती है, अगर जमीनी हकीकत में अगर ये लोग काम करेंगे तो सरकार पलट जाती है, तो इसीलिए इस तरह की बैठकें बुलाई जाती है और बैठकों में कुछ संदेश दिया जाता है बड़े नेताओं के द्वारा, और छोटे नेताओं से संदेश पूछा भी जाता है कि आपके क्या दिक्कतें आ रही है, उन तमाम को निष्कर्ष निकाल के निर्णय लिए जाते हैं और उस तरफ फलस्वरूप ये चुनावी एजेंडा तैयार की जाती है और चुनाव मोड में भी जाते हैं, क्योंकि देखिए बीजेपी शुरू से चुनावी मोड में वो जा चुकी है, तमाम एक तरह से अगर देखा जाए तो बीजेपी चुनाव जिस सब शुरू होते उस समय से चुनाव मोड में नहीं जाती है, पहले से एक सालों साल वो चुनाव मोड में ही रहते हैं, अगर आज भी चुनाव करा ले तो बीजेपी कहती है हम हमेशा चुनाव मोड में, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, बीजेपी इस तरह के मामले में काफी एक्टिव है। लेकिन विपक्ष पार्टियों को लेके अपने कल देखिए सभी नेताओं से हमने सत्ता दल के नेताओं ने हमने सबसे बात किया था, सत्ता दल के नेता सभी
कहना है कि बीजेपी के पास कुछ एजेंडा नहीं है, बीजेपी के पास वो काम नहीं किए थे इसलिए सरकार से उनको बेदखल कर दिए। तो तमाम चीजों को लेके जो मुद्दे थे उन मुद्दों को लेके ही बातचीत की जा रही है और हमारे मुख्यमंत्री को तंग करने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए इन मुद्दों को लेके ही यहाँ पे बैठक बुलाई गई। बैठकों में ये साफ साफ संदेश दिया जाएगा, कार्यकर्ताओं को संदेश दी जाएगी, कार्यकर्ता उन मुद्दों को लेके ही वहां पे अपने अपने एरिया में जाएंगे। लेकिन कल जो सरकार की बैठक थी उसमें सभी लोगों ने देखा कि क्या निष्कर्ष निकला चला, पूरे माहौल जिस तरह से गर्म था उस माहौल को भी देखा। तो उसके बाद ही बीजेपी उन्होंने चाहे बाबूलाल मरांडी उसका पहले उनका पहला ही रिएक्शन आ चुका था, अमर बाबरी का रिएक्शन आ चुका था, तमाम दीपक प्रकाश के रिएक्शन आ चुके थे, तमाम बीजेपी के नेताओं ने कमर कस के रखी कि अगर उधर से कुछ रिएक्शन आता है इधर से हम भी हम लोग पीछे नहीं हो। दोनों पार्टियां फ्रंट फुट पे खेलना चाह रही, कोई भी बैकफुट पे नहीं आना चाहती, चाहे ईडी का सवाल हो या फिर भ्रष्टाचार का सवाल हो। झारखंड की राजनीति फिलहाल काफी गर्म हो चली है। ईडी का संबंध सीएम हेमंत सोरेन को जाता है, उसके बाद कल अचानक ही कई जगहों पर ईडी की दबिश होती है, सीएम के जो है करीबी माने जा रहे हैं इन लोगों के यहाँ ईडी की दबिश होती है, और अब बीजेपी की बैठक है। कहीं ना कहीं इन सारे मुद्दे को लेकर बीजेपी भुनाने की कोशिश करेगी और इस चुनाव में इसका भरपूर फायदा उठाने की बीजेपी कोशिश करने वाली है। देखिए कल का बैठक से लेकर इस बैठक में कोई बातें औचित्य तो नहीं है, लेकिन ये बैठक अलग तरीके की बैठक है। पहले से तय थी कि संगठनात्मक बैठक है, बीजेपी की इंटरनल बैठकें होते रहती है प्रिया, और बैठक में तमाम निर्णय लिए ही जाते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को तमाम समय समय पे बुलाया जाता है, बैठक में शामिल कराया जाता है ताकि वो एक्टिव मोड में रहे, सुस्त ना हो, इसलिए इस बैठक का आयोजन होना बीजेपी में आम बात है और बीजेपी करती है। और चुनाव मोड में तो देखिए दोनों पार्टियां अब जा चुकी है, नए साल का खुमार है, नए साल के खुमार के बाद अब झारखंड की जो सरगर्मी है वो सरगर्मी सबके नजर से चुका बचा हुआ भी नहीं है, और चाहे विपक्ष की बात करें, चाहे विपक्ष में बीजेपी है या सत्ता पक्ष के जेएमएम कांग्रेस की बात करें, सभी लोग एक्टिव मोड है। देखिये कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं मीर अहमद, वो आए थे अपने मंत्रियों विधायकों को एकजुट करने की कोशिश किए, उन्होंने अपने संदेश दिया कि कैसे चुनाव में जाएं, किन मुद्दों को लेके जाएं, तमाम मुद्दों को लेके अपने डिस्कशन किया, पूरी तरीके से एक एक विधायकों से निर्णय लिया, डिसीजन पूछा, कोई दिक्कत तो नहीं, तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने कल बैठकें दिन भर चलते रही, चाहे मीर अहमद हो या प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, तमाम मुद्दों को लेकर एक लोगों से अवगत कराए, एक लोगों से कार्यकर्ताओं से मिलाए, चाहे जिला स्तर के कार्यकर्ता हो, विधायक स्तर के कार्यकर्ता हो, मंत्री स्तर के कार्यकर्ता हो, सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से मीर अहमद से बात किया, उनसे निर्णय निर्देश भी दिए गए, वो अपने अपने जिले भी लौट चुके और वहां पे जाके वो कार्रवाई उस तरह से काम भी करें। उसी प्रकार बीजेपी भी अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए बैठक करते रहती है, विधायकों को बुलाए रहती है, और चुनावी मोड में एक तरह से दोनों चुनावी मोड में जा चुकी है। आप देखिए इस तरह के आपको रणनीति जो होते हैं तमाम रणनीति बनते हुए दिखेंगे, एक तरफ से हमला होगा, दूसरी तरफ से जवाब दिया जाएगा, दूसरी तरफ से हमला होगा, एक तरफ से काउंटर करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि चुनाव मोड में यही होता है। कि देखिए अब बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी इस बैठक में क्या क्या संदेश निकल के आता है, जब बैठक खत्म होगी उसके बाद ही हम बता भी पाएंगे, क्योंकि हमें जो इंटरनेट सोर्सेस जो जानकारी मिला वो आपको जो अशोक बारीक है बीजेपी के नेता उन्होंने साफ साफ बता दिया कि ये बैठक में क्या क्या निर्णय लिए जाएंगे, क्या क्या बातों को रखे जाएंगे। उससे पहले भी बाबूलाल मरांडी ने अपने बातों को रखा और संगठन मजबूत करने के लिए बैठक बुलाई गई, अमर बाबरी ने अपने बातों को रखा, अब बहरहाल बैठक में जब बाहर निकलेंगे कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देगा, कार्यकर्ताओं से जब हम बात करें तब ये जानकारी मिल पाएगी कि कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दिए गए और तमाम चीजों को लेकर जो बैठक की गई हमने आपको साझा किया। प्रिया धनंजय, क्या लगता है कि जिस तरह से गठबंधन जो है कहीं ना कहीं फिलहाल कमजोर है, लेकिन गठबंधन का बार बार दावा है कि बीजेपी उनसे डरी हुई है और इस वजह से जो है बीजेपी पर दबाव है, बीजेपी अपने पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, वहीं बीजेपी का कहना है कि गठबंधन का कोई औचित्य नहीं है, तो क्या लगता है कि गठबंधन जो एकजुट सभी पार्टियां हुई है बीजेपी को हराने की कोशिश कर रही है, इससे बीजेपी अपने संगठन पर और ज्यादा मजबूती करने की कोशिश कर रही है, ध्यान देने की कोशिश कर रही है?
देखिए इंडिया अलायंस का दिल्ली में बैठक चल रहा है, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी सभी लोग बैठेगा, उसमें यही डिस्कशन किया जाएगा। जो अलायंस की जो टीम है, अलायंस में कांग्रेस की कितना सीटें भागीदारी रहेगी राज्यों में, और बाकी जो गठबंधन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको कितना सीटें मिलेगी। जो आम बैठक आज रखी गई है, इंटरनल बैठक कांग्रेस ने रखी है, और इसमें तमाम और कांग्रेस और ये भी है उस बैठक में, ये भी कयास लगाया जा रहा है कि जो इंटरनल जो गुटबाजी हो रही है कांग्रेस में उसको खत्म किया जाए, इन मुद्दों को कांग्रेस को मजबूत किया जाए, और सीटों को कहां कहां कौन से सीटें मजबूत है उन पर चुनाव लड़ा जाए कांग्रेस, और किन पार्टियों को कहां पे सीट दी जाएगी सीट शेयरिंग को लेकर, वहां पे कांग्रेस पार्टी का इंटरनल एक बैठक दिल्ली में चल रहा है, और उसी बैठक पे ही पूरा निर्भर करेगा कि गठबंधन एनडीए अलायंस जो एनडीए अलायंस क्या गठबंधन 2024 में क्या रूपरेखा होता है वो सबके सामने आ जाएगा। लेकिन बीजेपी तो अपने मजबूत तरीके से खड़ी है, बीजेपी अपने मजबूत तरीके से तमाम पार्टियों को, चाहे प्रधानमंत्री ने कल वो अमित शाह हो या जेपी नड्डा ने, एक तरीके से बैठकें होते रही है। सेंट्रल की बात करें, अब राज्यों में जब सेंट्रल में बात होती है तो राज्यों में जब उसके निर्देश दिए जाते हैं तो राज्यों में भी बैठक होती है, और राज्य में उसका फलस्वरूप आप देखने को मिल रहा है। आज जो बैठक हुई है, फिर एक दो दिन के बाद फिर बैठक बीजेपी में आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह की बैठकें लगातार हो रही है ताकि कोई भी पार्टी कमजोर ना होगी। जब चुनाव 2024 में होगा तो उससे पहले दो महीने ढाई महीने का समय जो बचता है उसमें, चाहे योजनाएं की बात कर लें या फिर जो परियोजना हो या फिर या जो बीजेपी सरकार के द्वारा जितनी योजनाएं चलाई जा रही, केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, कार्यकर्ताओं के द्वारा जो योजना, उन योजनाओं को धरातल पे उतारना, उन योजनाओं को कार्यकर्ताओं के द्वारा ग्रामीणों को घर घर तक बातों को रखना, महिलाओं को जोड़ना, इसमें देखिए सबसे बड़ी बात होता है। बीजेपी जब इस चुनाव 2023 में लास्ट सेशन में जब चुनाव है तो महिलाओं का काफी भागीदारी बीजेपी के लिए हुआ है। बीजेपी के द्वारा कई तरीके से महिलाओं ने जिताने की कोशिश काम की है, तो महिलाओं को जोड़ने के काम की जा रही है, महिलाओं को कैसे अपने और खींचा जाए, तमाम चीजों को भी बैठकें होती रहती है और इस बार बैठक में भी हो रही है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि कुछ दिन में झारखंड की राजनीति किस करवट लेती है, क्योंकि कल का समय भी अहम है और आज जब बीजेपी बैठक कर रही है उसका भी अपने मायने है। तनुजा बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी की तरफ से आज बैठक चल रही है, विभिन्न संगठन, विभिन्न मोर्चा, बीजेपी की 7 मोर्चा के सभी अध्यक्षों को बुलाया गया है, सभी नेताओं को बुलाया गया है, उन्हें संगठन मजबूत करने की जिम्मेदारी दी जा रही है, लोगों से कनेक्ट करने की जिम्मेदारी दी जा रही है। बीजेपी की बैठक में साफ तौर पर कहा जा रहा है, और जो जानकारी निकलकर खुलकर सामने आ रही है कि बीजेपी अपने सभी मोर्चा के जो नेता हैं उन्हें आदेश दे रही है कि आप लोगों तक जाएं, उनसे मिलें, और बीजेपी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से जो योजनाएं आपके लिए चलाई जा रही है उसका लाभ उठाए। तो कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव हो गई है, लोगों से जुड़ने का आदेश अपने कार्यकर्ताओं को दे रही है, और अब देखना होगा कि बीजेपी जो अपनी रणनीति बना रही है उससे लोगों को अपनी तरफ कितना आकर्षित कर पाती है।